खेत में गांव के ताऊ साहब। मैं आपकी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त कोमल। मेरे जो दोस्त नए हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम कोमल है और मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी क्यूट सी लड़की हूँ। सलवार सूट में जबरदस्त लगती हूँ। बात एक महीना पहले की है, जब मेरे मामा के लड़के की शादी में मैं और मेरा परिवार मामा के गाँव गए हुए थे। शादी में काम करवाने के लिए मुझे मामा जी के घर एक हफ्ता पहले जाना पड़ा। मेरे मामा जी की लड़की अंकिता के साथ मेरी अच्छी बनती थी। हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं। सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करती हैं। मेरे चाचा जी वाली बात भी अंकिता को बता रखी है। अंकिता के बारे में बताऊं तो उसकी उम्र 22 साल है और बहुत ही अच्छे फिगर की मालकिन है। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में दौड़ लगाने जाती है और एक्सरसाइज करके खुद को मेंटेन रखती है। मैं जब भी मामा के घर जाती तो मैं भी अक्सर अंकिता के साथ खेतों में चली जाया करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। अगले दिन सुबह मैं भी 6 बजे उठ गई। अंकिता के कहने पर मैं भी उसके साथ खेत में जाने के लिए तैयार हो गई। खेत में पहले से ही अंकिता के कोई ताऊ थे जिन्होंने उनकी जमीन को पट्टे पर ले रखा था। उनकी उम्र यही कोई 40-45 के करीब ही रही होगी। अच्छे खासे लंबे चौड़े देसी जाट कुर्ते पजामे और लंबी मूंछों उनका और रौब बढ़ा रही थी। जाते ही अंकिता ने उनको नमस्ते की तो मैंने भी उनको नमस्कार किया। उन्होंने अंकिता से मेरे बारे में पूछा। वो मुझे बहुत बुरी नज़र से देख रहे थे, पता नहीं क्यों, पर मुझे उनका ऐसे देखना अच्छा लगा। उस दिन कुछ खास बात हमारे बीच नहीं हुई। अंकिता और मैं एक्सरसाइज करके वापस आ गई, फिर पूरा दिन शादी के काम वगैरह करे। रात को अंकिता और मैं एक ही रूम में लेटे हुए गप्पों से लगे हुए थे। तभी मैंने अंकिता से सुबह वाली बात बताई कि उनके ताऊ जी कैसे भरी नजर से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया, साला एक नंबर का ठरकी है, पता नहीं अब तक कितनी की ले चुका है। खेतों में काम करने आने औरतों के साथ ऐसे ही करता है। बस ऐसी ही बातें करते हुए पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह फिर से हम खेत में गए तो वो ताऊ जी वहीं थे। हम दोनों अब बहनें एक्सरसाइज कर रही थी तो वे पीछे से मेरी उभरी हुई देख रहा था। मैं भी जानबूझकर मटकाते हुए एक्सरसाइज करने लगी। अंकिता अब एक्सरसाइज छोड़कर खेत में 100 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस करने लगी। मैं अभी भी वहीं एक्सरसाइज कर रही थी। अंकिता को दूर देखकर ताऊ जी की हिम्मत कुछ बढ़ी और वो मेरे पास आकर मुझे देखने लगे। वे मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या नाम है, क्या करती हो वगैरह वगैरह। मैं भी एक्सरसाइज करते हुए उन्हें सब बताने लगी। अचानक वे मेरे पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रख के बताने लगे कि यह एक्सरसाइज इस तरह होती है, जैसे तुम कर रही हो वो गलत है। एक मिनट बाद ही फिर सर बोले, फिर से तुम ऐसे ही कर रही हो, यह एक्सरसाइज ऐसे करनी है। परंतु बताने के बाद उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। मेरी तरफ से कोई नहीं देखकर उनमें कुछ और हिम्मत हुई। अब उनका हाथ तरफ जा ही रहा था कि तभी अंकिता के आने की आहट सुनकर वह मुझसे दूर होकर बैठ गए। अंकिता और मैं घर को जाने लगी तो उन ताऊ जी ने अंकिता की नजरों से बचाते हुए मुझे एक पर्ची दी जिस पर उनका नंबर लिखा हुआ था, पर मैंने उनको फोन करना उचित नहीं समझा। फिर शादी के इतने काम हो गए कि खेत में जाने का समय ही नहीं मिला। शादी से 2 दिन पहले घर में और भी मेहमान आने लगे। शादी में छोटे बच्चे भी आए हुए थे तो मामी जी ने मुझे बच्चों को खेत में ले जाने के लिए बोल दिया कि बच्चों को घुमा लाओ, तब तक हम सभी मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं। मैं बच्चों के साथ खेत में चली गई। बच्चे खेत में खेलने लगे, मैं भी उनके साथ खेलते खेलते थक गई और खेत में बने कमरे में पानी पीने के लिए चली गई। जैसे ही मटके से पानी लेने के लिए झुकी तो पीछे से किसी ने आकर मेरे को जोर से खींच लिया। मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने उसको धक्का दिया और एक जोर का थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया। जब मैंने थप्पड़ जड़ा तब मैंने देखा नहीं था कि किसने मेरे साथ शरारत की थी। मैंने घूम कर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि वही ताऊ जी थे और बोले, रुक बेटा मैं बताता हूँ तुझे। और यह कहते हुए मुझे दीवार की तरफ धक्का देकर दीवार से बिल्कुल सटा दिया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती क्या क्या बताऊँ, बताओ। अरे वही 2 बड़े बड़े अमरूद। अब मेरे विरोध का तो कोई कारण ही नहीं था। ताऊ जी से मैं पहले से सेट हो चुकी थी ना मन ही मन। फिर ताऊ जी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, ना मैं रोक पाई ना ही वे रुके। ताऊ का देख कर मेरी तो फट गई बिल्कुल काला भूत। जब उन्होंने भी मुझे उनका साथ देते हुए देखा तो तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। मैं तो 7वें आसमान पर थी, मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था कि क्या करना होता है। और वैसे भी मैं किसी के पास जाने यही काम तो करने नहीं थी, मेरा तो ये एक नया अनुभव था। फिर उन्होंने मुझे
खड़ी करके पलंग पर झुका के दे 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 दे। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो टाइम ज्यादा हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर जाने लगी। उन्होंने फिर से मिलने और फोन करने का वादा लिया। मैंने उन्हें लेट होने पर घर वालों का शक करने पर चिंता जताई तो वे हंसते हुए बोले, मैंने ही तुम्हारी मामी को तुम्हें खेत में भेजने के लिए बोला था। इस बात से मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा तो वो बोले, अब तुम लेट हो रही हो, घर जाकर फोन पर बताता हूँ। और इस तरह मैं बाहर आ गई। बाहर अभी भी अच्छे खेत में खेल रहे थे और आसपास कोई भी नहीं था। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली और घर वापस आ गई। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वही बाजू में एक घंटी उसे दबा दो। आखिर में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ इतनी मेहनत से। मुझे पता है आप सभी को बहुत मजा आता है, तो इतना सिंपल काम आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।